हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज बनाएंगे कच्चे आम की सब्जी और भिंडी की सब्जी, दोनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चार लोगों के लिए भिंडी की सब्जी बनाने के लिए आधा किलो भिंडी और दो बड़ी प्याज चॉप कर ली हैं, और ये कच्चे आम देखो ऐसे काट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कच्चे आम की सब्जी के लिए कढ़ाई में तेल डाल लिया, और ये इसमें भिंडी के लिए डाल लिया। ये देखिए दोनों सब्जियां एक साथ बनाएंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, दोनों एक साथ सब्जी बनके तैयार हो जाएंगी। तो इसमें जीरा डालेंगे और जो चुपके हुए प्याज रखे हैं प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के आम की सब्जी के लिए ये तड़के में डालेंगे थोड़ी सी मेथी, राई और जीरा। तेल गर्म हो गया, अब आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। आम डाल देंगे, पांच मिनट इसको अच्छी तरह से ऐसे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये अच्छी तरह से पांच मिनट हिलाने के बाद कच्चे आम की सब्जी के लिए ये गुड़ ले लेंगे थोड़ा सा, इसको तोड़ लेंगे ऐसे। ये देखिए ये अच्छे से अभी फ्राई हो गए हैं, अब इसमें पानी डालेंगे, दो गिलास तो कम से कम डालेंगे। और ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार होता है, किसी को कट्टे आम की सब्जी ज़्यादा तरीदार अच्छी लगती है, किसी को कम, तो ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और ढक के इसको पकने देंगे 10 मिनट। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इधर ये प्याज भुन गए हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, इनको मिला देंगे सबको। आधी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, मिला के सब। अब कटी हुई भिंडी डाल देंगे। अब इसको ढक के पकने के लिए गैस को सिम कर देंगे, और इधर आम को संभाल लेते हैं। ये देखिए ये उबल रहा है, अच्छे से उबलने लगा है पानी, तो अभी इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं, उसके बाद गुड़ डाल लेंगे। जब तक ये पकेंगे हम इधर आटा गूंद लेते हैं। ऐसे कपड़े से ढक के और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में जो टाइम बचता है उसे साथ साथ किसी की सफाई करते रहना चाहिए, ताकि बाद में एकदम से ज़्यादा काम ना कर ले सफाई का। अब ये आम की सब्जी पकने वाली है, अब इसमें गुड़ डाल देंगे। ये इसमें ऐसे गुड़ डाल देंगे कूट के हल्का, और इसको मिक्स कर देंगे, और 10 मिनट के लिए और ढक के छोड़ देंगे, ताकि गुड़ पिघल के अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये दोनों सब्जियां हो गई हैं तैयार,
ये खट्टी मीठी आम की सब्जी गर्मी में अच्छी रहती है, ये जरूर रखनी चाहिए। एक बार बना लो 2-3 दिन तक चलती है। दूसरी सब्जी के साथ थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। और ये करारी भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है, तो चलिए अभी आटा कर लेते हैं। ठीक, ये आटा इतना अच्छा हो गया है, थोड़ा सा मसल के और इकट्ठा कर देंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।